नीला भाई आदमी को धर्म का साथ देना चाहिए। तो नीला भाई क्षत्रिय होता है वो सती परीक्षण दे सकता है, क्या तू सती परीक्षण दे देगा? तो बरबरिक ने हंसते हुए कहा कि हाँ महाराज दे दूंगा। नीला भाई इन पीपल के पत्ते ना तू सेना मान ले, दोनों सेना, क्या एक बाण में बीन देगा? बोले बीन दूंगा, ये कौन सा मुश्किल काम है, बाण तो मेरा एक भी ना लग गए वो भी उल्टा आ जाएगा। तो कृष्ण भगवान ने परीक्षा लेनी थी सजनो, एक पत्ता पाकर नीचा दाब लिया, जैसे ही वो पत्ता फटाफट 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 सारे पत्ते को बीनता हुआ कृष्ण भगवान के पाँव का नीचा लिया। तो बरबरिक ने कहा कि गणा पंचायती ना अपना पर टाले मह गजागा। कृष्ण भगवान ने जैसे ही पाँव आया वो पत्ता ही बीन दिया, एक त्योर पत्थर आ गया कृष्ण भगवान का भी के माया और रे सया। तो पांडवों के पास जाते हैं कि भाई आज आज की रात है, इसका कोई समाधान ढूंढ लियो ना, तो मेरे बस की बात नहीं है। तो सजनों कृष्ण भगवान लाचार हो जाते हैं। पांडवों ने कहा कि महाराज इसका उपाय क्या? बोले मारे सरगा, कहते तड़कन अनुको जो मारा छोरा मार दिया। बोला महाराज यो काम कर दे, बोला तन्ने कोई कि मैं ना कहे। तो सजनो तड़का ही तड़का ब्राह्मण का भेष बना के वही पीपल के पेड़ के नीचे बरबरी के सामने लाचार हो जाते हैं। कैसे क्या कवि ने कैसे क्या दर्शाया। कहने लाचार तू फांसी काट दिए गलती, वो रास्ता हम न पाओगा कि तू आगे हटेगा जिन मारा काम चल लगा ना तो चल लगो नहीं। और कवि ने पहली कली में एक सफल इंसान की युक्ति बताई है, कैसे क्या गया।
हमारी बात उत्साह सिंह और सहमति के खिस्से से, उत्साह सिंह और सहमति को एक बात के द्वारा क्या कहता है? सुनिया निशान धड़की चेहरे की लाली कदर रज पुता की गटी सभा में जो भी हैं, सभी ने मान सम्मान किया, सभी का हाथ जोड़ के तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद। बड़े भाई साहब को प्रणाम है, धन्यवाद। रमेश रमेश ऐसा ही भाई जाइए ना, दो भजन जरूर सुनाने हैं तो ना, मेरे पहले चला जा, मैंने देखा ही नहीं है। एक बार भाई के लिए जोरदार ताली बजा दे रमेश ऐसा ही साहब, तो शाम से जाइए ना। बदनामी का बदला से रखा बर्बाद।
जैसे उसने शीश का दान मांगा, बरबरी के एकदम चौंक गया, यो के मांग लिया, नीलम महाराज मैंने वचन करे मैं शीश का दान करूंगा, लेकिन मैंने सुनी है कि जिसकी इच्छा पूरी नहीं है उसकी आत्मा भटकती है। नीला क्या इच्छा है? नीला महाराज युद्ध देखने की इच्छा है। अरे नीला तू शीश का दान करे, मेरी सारी शक्ति तेरे अंदर निहित होंगी और मैं कटे हुए शीश से भी तेरे को युद्ध दिखाऊंगा। चौथी कली तीसरी कली में कैसे क्या दर्शाया। शुभ कर्मों का त्यार महिमा पाई जाबरती समय कर युग का आवगा रास्ता हमने पावेगा रामानंद अपने बच्चे का 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। अंकल जी का तय दिल से धन्यवाद धन्यवाद। मान करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। संख्या रहेगी ब्राह्मण कौन या ब्राह्मण कोई दान में जमीन का टुकड़ा मांग लेगा, अन्न मांग लेगा, वस्त्र मांग लेगा। ब्राह्मण कभी भिक्षा में जीवन नहीं मांगता। नीलम महाराज अपना असली रूप दिखाओ। जब कृष्ण भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया पायाम पड़ गया। नीले ओए होए ओड मुसीबत आ गई थी तन्ना भी आना पड़ा। अरे नीला तू अपने शीश का दान करे, अरे यो काल सब न खाऊगा मौका हो सजनो। चौथी गली में कवि ने कैसे क्या दर्शाया। मार्ग की तो मैं श्याम लाल
होशियार किसे की आस नहीं पलती कालियो सब न खावेगा रास्ता हमने पावेगा चंद धर तेरा ध्यान वो